स्टूडेंट स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर टू के एक्सरसाइज 2.5। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। अब हमने रूट्स को लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 1 एंड 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सम निकालेंगे इसका अल्फा प्लस बीटा करके। तो 1 प्लस 5 इक्वल टू 6 एंड प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फा बीटा इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 5 और वो आ जाएगा 5। इसमें जो हम इक्वेशन यूज़ करेंगे वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। मतलब हमारा क्वाड्रेटिक वैल्यू या क्वाड्रेटिक वेरिएबल, उसके बाद लीनियर के साथ हमारा सम आएगा एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट की जगह पे आएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, माइनस एक्स की जगह पे हम उसकी वैल्यू 6x प्लस पी की जगह पे पी की वैल्यू इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के बाकी सारे पार्ट्स आप लोगों ने स्टूडेंट्स खुद करने हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन हुज रूट्स आर। इसमें ए है 12 प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। इसमें भी उन्होंने हमें दे दी भी है, लेकिन इसमें भी हमने अपनी इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं इक्वेशन लिख के, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें लेट कर लें ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस 3 एंड सी इक्वल टू सॉरी सी इक्वल टू 6, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अपना सम निकालना है अल्फा प्लस बीटा। अब हमने अपना सम निकालना है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आएगा, माइनस बी ओवर ए। तो हमारे पास माइनस माइनस 3 आ जाएगा, 3 ओवर 1 3 आ जाएगा, ठीक है। और प्रोडक्ट अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, सी ओवर ए, वो क्या है 6, ठीक है जी। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, अपनी वैल्यू लेनी है। फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। तो सबसे पहले हमने इसका सम कैसे लेना है, एक साइड पे सम लेंगे, एक साइड पे प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है। इस तरह हमें आसानी रहेगी। सम लेंगे 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1 और सम 2 अल्फा प्लस 1 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 बीटा प्लस 1, ठीक है जी। अब यहाँ आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, ठीक है। 2 कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, ठीक है जी। यहाँ 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 प्लस 2, 3 2 6 प्लस 2 इक्वल टू 8, 6 प्लस 2 इक्वल टू 8 आ गया, ठीक है। अब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई, 2 2 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1। तो 4 अल्फा बीटा प्लस 2 यहाँ इन दोनों में से कॉमन, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 अल्फा बीटा की 6 है प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा की 3 प्लस 1, 4 6 24 प्लस 6 प्लस 1 40 30 एंड 31 आ जाएगा, ठीक है। 24 प्लस 6 30 31। अब हम अपनी इक्वेशन ले लेते हैं, चलो यहीं पे ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो सम हमारे पास क्या आया है, 8x प्लस 31 इक्वल टू 0। ये था हमारा क्वेश्चन।